तो कैमरन ने क्या ऐसी फिर ना ही समझिए? नहीं नहीं क्यों नहीं, आप सुबह का मैच तो होने दें, है ना? अगर मैच होता है तो फिर ना ही है बारिश हो जाए तो अलग बात है, वरना अलग बात है। फिर हमने कहा ना हम ट्रॉफी भी उठाएंगे। वैसे उससे पहले हम कल की मैच की बात करते हैं तनिल भाई से भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया इस वर्ल्ड कप के आगाज से पहले। नहीं मेरे ख्याल से देखें दो मैच ऐसे थे जो कि मैचेस ऑफ दी T20 होने चाहिए, होते एक इंडिया पाकिस्तान का मैच सही है और एक मैच जो नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का एशेस की तरह वो एक। तो ये दो मैचेस मेरे ख्याल से उस मैच से लॉस्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया को। काश हमारे इंडिया से मैच में बारिश हो जाती, अब तो मैं ये कहता हूं हारते तो ना। आईसीसी को सोचना चाहिए, एक रिजर्व डे रखना चाहिए। रिजर्व देखिए हमने बात की कि रिजर्व डे भी होना चाहिए था। हमने एक और बात भी की जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई कि जो आपके क्वालिफायर्स होते हैं वो थोड़ा पहले हो जाए। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जो क्वालिफायर की टीम आती है तो वो ऑलरेडी कोई 15-20 दिन उनके के नर्व्स चेक हुए होते हैं और इस क्वालिफायर में बहुत मुश्किल मैचेस आए। सही है, जो कि अपसेट भी हुए, सही मुश्किल मैचेस भी थे। तो जब टीमें आती हैं सुपर 12 में तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो मेरे ख्याल से क्वालिफायर भी पहले हो जाए, थोड़ा सा पहले हो जाए ताकि जब टीम आए तो पूरी एनर्जी से और ज्यादा अच्छे मैचेस हों। अच्छा, अब हमने जो है वो पहले यूनुस भाई से, फिर कामरान भाई से, फिर तनवीर भाई से पूछनी है और आपको दिखानी है कि इनकी प्लेइंग 11 क्या है कल की। पहले यूनुस भाई की टीम दिखाए थे। यूनुस भाई, आपने कल की टीम में क्या किया है? कोई एक चेंज किया है मैंने लास्ट टीम में, जो मेरे खुशदिल शाह उसमें खेल रहे थे, लेकिन ये कि यहाँ मोहम्मद हारिस आ गए हैं उसमें। हाँ, पिछले मैच की परफॉर्मेंस को देखते हुए जी, क्योंकि अब उनको खेलना ही है। और लेकिन आप ये देखिए कि बैटिंग ऑर्डर का आप देख लें, बाबर आजम वन डाउन। बाबर आजम जितने भी मैचेस जो मेरी टीम थी उसमें वन डाउन ही थे। हाँ, ऐसे ही। उसके बाद शान मसूद है, इफ्तिखार है, मोहम्मद नवाज, ये फ्लेक्सिबल होंगे। क्योंकि अगर आप नीचे की बात करें जिस तरह शादाब खान खेलें तो वो जो रोल जो खुशदिल शाह कर सकते थे वो यहाँ पे शादाब खान कर सकते हैं। जो कि पावर हिटिंग हमने उनकी देखी, जो कि उनकी एबिलिटी रिसेंट पास में बेहतर हुई, तो ये वजह थी। लेकिन आप अगर देखेंगे शान मसूद, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद नवाज, ये फ्लेक्सिबल रहेंगे। ठीक है, ये आप उनको यूज करेंगे, कैप्टन को यूज करना चाहिए अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, सिचुएशन के हिसाब से भाईजान सेम टीम है। हाँ, अगर बांग्लादेश के साथ मैच है, अगर मैं चाहता मेरी टीम अगर मैं देखूं बांग्लादेश को सामने रखे, मैं आसिफ अली को खिलाऊं शान मसूद की जगह। ओके, नंबर 3 हारिस ने अगर खेलना, स्पिनर फास्ट बॉलिंग होती जैसे लाइक साउथ अफ्रीका या इंडिया, तो फिर मैं आसिफ अली को ना खिलाता, यही साइड के साथ जाता, लेकिन माननी नहीं उन्होंने, इसलिए मैं कहा सेम साइड ही जाऊं। हां भाई, तनवीर भाई की टीम दिखाएं। मेरी टीम में ये एक मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। अच्छा, खुशदिल शाह की जगह हारिस, मोहम्मद हारिस का नाम डालना तो खुशदिल। अच्छा, ओके, मेरी मिस्टेक है। अच्छा, आप ही सुनिए। सो आप कह रहे हैं कि आपके भी ख्याल में मोहम्मद हारिस होते हैं। मोहम्मद हारिस कहां खेलते हैं आपकी टीम में? मोहम्मद हारिस कहां खेलते हैं, किस नंबर पे? मोहम्मद हारिस ऊपर तीसरे नंबर पे। ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये हारिस की सूरत में क्या हमारा ओपनिंग का मसला हल हो सकता है? इस T20 में तो हमारी ओपनिंग 1, 13, 16 और 4, ये चार मैचों में हमारे ओपनिंग के इतने रन रहे, 1 रन, 13 रन, 16 रन और 4 रन। इवन ये चार मैचेस नहीं, पिछली 21 इनिंग्स। ये तो हाँ, ये तो खाली भी इस वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, वरना तो इससे पहले भी। देखिए, ओपनिंग का मसला तो हमें लग रहा है क्योंकि हम बार बार इस पे बात कर रहे हैं। और लास्ट मैच में जिस तरह मोहम्मद हारिस ने बैटिंग की और उसने आगे जितना छक्के मारे, तो हमने एकदम से एक चीज सोची कि ये इस किस्म का ओपनर क्यों नहीं है हमारे पास। क्योंकि पावर प्ले में हमारे रन तेज करते थोड़े। T20 क्रिकेट में आपको ऐसा ही प्लेयर चाहिए जो खुली शॉट्स खेले। हाँ, वहाँ पे 6 ओवर, आपको पता है कि 6 ओवर जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे बॉलिंग की बात करें चाहे बैटिंग की बात करें। अगर आप उसका एडवांटेज नहीं उठाएंगे, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, बाबर की वजह से भी, रिजवान की वजह से भी, तो ये अब ये इस वर्ल्ड कप के बाद बाबर को जरूर सोचना पड़ेगा अपनी अना का मसला। आपका भी ख्याल है कि कप्तानी का बोझ उतारना चाहिए बाबर से, जिस तरह कामरान मैंने कहा, यूनुस मैंने भी सेकंड किया। हो सकता है, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, लेकिन जब कप्तानी करते हैं उनके ऊपर प्रेशर आता है, वो शायद ना रन कर पाए उस तरीके से। लेकिन बाबर को मैं समझता हूँ थोड़ा सा अना का मसला साइड पे करना चाहिए। वो ये मत समझे कि मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे अगर मैं तीसरे नंबर पे आ गया, तो वो अगर टीम की जरूरत है तो आप आओ तीसरे नंबर पे। सही है। शहजाद भाई, वैसे क्या आपका इस प्लेइंग 11 में कौन सा फेवरेट बैट्समैन है आपका? लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक बाबर आजम शुड बी द कैप्टन। और उनको ऑब्वियसली उनका फॉर्म अभी नहीं चल रहा, लेकिन ऑब्वियसली उनको अपने बैटिंग पे फोकस करना चाहिए। एंड आई थिंक ही इज द ओनली पर्सन हु कैन लीड द टीम राइट नाउ। ऑल राइट।